पत्रकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस दिया गया है और उसको लेकर पार्टी की ओर से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सिर्फ सोशल मीडिया में कही गई बात का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इससे परहेज करने की आवश्यकता है। अनिल शर्मा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं सर? देखिए, उस सारे मामले में जो चीज़ें होनी थी वो हो गई हैं, इससे ज़्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे लिए अभी इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है और इलेक्शन के कैंपेन में मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों हमारे लिए बड़ा महत्व नहीं है। सत्ती जी के जो बयान है उस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सिर्फ उसके बारे में इतना ही कहना है कि उस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई का जवाब जो है वो पार्टी की ओर से दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो बात कही है उस बात में उन्हें पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी थी कि मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ, और उनने ये भी नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि किसी ने सोशल मीडिया में जो है इस प्रकार से बात कही उसका उन्हें जिक्र किया, लेकिन फिर भी किसी की भावनाओं को आहत हुए हैं। मैं समझता हूं कि भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जो आवश्यक कार्रवाई जो चुनाव आयोग ने करनी उचित समझी वो कार्रवाई उन्होंने की है, और आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पर जो है वो परहेज करने की आवश्यकता हम सब लोगों को है, हमारी ही पार्टी को नहीं दूसरी पार्टी को भी है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आगे काम करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो है बाकी जहाँ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जो है वो सब लोग अपने अपनी जो उनकी सुचिता, उनका काम करने का तौर तरीका, सारी चीज़ों के प्रति हमारा सम्मान है, आदर है, और किसी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनाल।